से इस देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोग, और आपके महत्वपूर्ण योगदान की आने वाली पीढ़ी, जब चार पीढ़ी आप कल्पना करिए, जब चार पीढ़ी का इतिहास आप देखते हैं वर्तमान पीढ़ी के द्वारा, तो चार पीढ़ी में कैसे कैसे किन किन लोगों ने किन किन क्षेत्रों में क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो आपके सामने भी ऐसा आपको भी लगता होगा कि हम भी कुछ अच्छा करें। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ हमारी कुलाधिपति जी, महामहिम राज्यपाल जी आ चुकी हैं शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आ चुके हैं, हमारे दूसरे सहयोगी आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, वो आपके इसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो यह मेरे लिए, मेरी पूरी सरकार के लिए और मेरे पूरे प्रदेश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब आदरणीय राय साहब मेरे पास गए थे कि आपको आना है इस कार्यक्रम में, मैंने कहा मैं प्रयास तो जरूर करूंगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे 24 तारीख को एक कार्यक्रम था प्रयागराज जाना पड़ेगा, लेकिन संयोग से वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया और आज आप सबके बीच में मुझे आने का गौरव प्राप्त हो गया। मैं बहुत दिनों से आप सबके बीच में आना चाहता था, यद्यपि अभी डीसी साहब ने एक विषय हम सब लोगों के सामने रखा है, आचार संहिता के कुछ प्रतिबंध हैं, उसके कारण से हम ऐसी कोई बातें तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास में लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रतिभाओं का पूरा पूरा उपयोग किया जाएगा, इतना जरूर हम कह सकते हैं। देश के विकास में आपका योगदान है, संसार दुनिया के विकास में योगदान है, लेकिन प्रदेश के विकास में आपका योगदान कैसे अधिक से अधिक हो, इस दृष्टि से हम सब लोग 3 तारीख के बाद कभी फिर कोई अवसर निकालेंगे, कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठेंगे और कुछ विभाग के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण हैं उनको आपके यहाँ पर भेजेंगे, वह सारी चीज़ें समझ करके, क्योंकि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बिना आपके कुछ हो नहीं सकता। हमें प्रतिभाओं की, हमें युवाओं की, हमें शोधकर्ताओं की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने यहाँ पर, तो मेरे पास आंकड़ा यहाँ पर बताया गया कि 20,000 लगभग यहाँ पर छात्र हैं, 153 जो डिग्री कॉलेजेज हैं वो इससे यहाँ से संबद्ध हैं, और यहाँ विश्वविद्यालय की एक ऐसी छवि है मेरे, तो जितने मैं समझता हूँ मेरे साथ अभी कई साथी आए हुए हैं, वह सब भी इसी विश्वविद्यालय से निकल करके गए। जब उन्होंने सुना कि मैं आज जा रहा हूँ कार्यक्रम में, तो हमारे तरुण कांत जी भी सामने बैठे हैं, वह भी कहे कि हमको भी चलना है, राजेश कटियार जी हमारे सहयोगी हैं, वह भी लखनऊ विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े हैं, हमारे प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण डॉक्टर साहब तो यहाँ पर हैं ही, ब्रजेश पाठक जी भी जो कानून मंत्री है वह भी इसी विश्वविद्यालय से निकल करके गए हैं, नगर विकास के मंत्री हमारे श्री गोपाल टंडन जी भी इसी विश्वविद्यालय से निकल करके गए हैं, स्वाति सिंह जी जो हमारी स्वतंत्र प्रभार की मंत्री हों इसी विश्वविद्यालय से निकल करके गई हैं। तो मैं अगर नाम लूँ तो नाम की कोई मतलब श्रृंखला नहीं टूटेगी, अगर हम विधायकों की और सांसदों की गिनती गिनने लगे तो शायद गिनाते गिनाते ही समय बीत जाएगा, लेकिन वह गिनती समाप्त नहीं होगी। इसलिए यह विश्वविद्यालय मेरी पार्टी के लिए भी, मेरी सरकार के लिए भी और मेरे प्रदेश के लिए भी, देश के लिए योगदान करते लेकिन अत्यधिक योगदान देने वाला विश्वविद्यालय है। इसलिए इस विश्वविद्यालय की धरती को और इस विश्वविद्यालय को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इस देश और प्रदेश के विकास की दृष्टि से आप सब आगे बढ़ें। जैसा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है, आप सब मैं जानता हूं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं के भरोसे, शायद मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया से टक्कर लेने की अगर उनके अंदर हिम्मत है तो देश के युवाओं के बल पर है, और पूरी दुनिया के अगर आज सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के नाते, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते अगर गौरव प्राप्त हुआ है तो देश की युवा शक्ति के भरोसे प्राप्त हुआ है, आप सबके भरोसे प्राप्त हुआ है, और हर मोर्चे पर जो भी चुनौती आई उस चुनौती का सामना करना
और भारत की प्रतिभा को और अच्छी तरीके से निखारते हुए, भारत को विकास यात्रा में और आगे ले जाते हुए, देश की सुरक्षा को चाक चौबंद बनाते हुए कोई भी क्षेत्र ऐसा छोड़ा नहीं जिस क्षेत्र में उन्होंने काम न किया हो, उसके पीछे आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्ति है। मैं प्रयागराज से आता हूँ, मेरे पास कई जो भूवैज्ञानिक हैं उससे कई बार मिले। प्रयागराज के बारे में आप सब जानते हैं, एक स्थान हमारे यहाँ शंकरगढ़ का एक क्षेत्र होता है, वहाँ एक सिल्का सैंड निकलता है जिसके माध्यम से जो कांच का उद्योग है, जैसे फिरोजाबाद में जिसे सुहाग नगरी के नाते जाना जाता है, चूड़ियों के कारोबार के नाते जाना जाता है, लेकिन कांच के जितना भी उत्पाद है वह सिल्का सैंड के माध्यम से बनाए जाने का काम किया जाता है। आज सोलर एनर्जी का युग है। अब सोलर एनर्जी के बारे में जो मैं मुझसे कुछ जो वैज्ञानिक गण मिले थे, उन्होंने ये कहा कि प्रयागराज का जो सिल्का सैंड है, उस सिल्का सैंड के माध्यम से जो सोलर की प्लेटें हैं जिसको बनाने के लिए हम चीन से आयात करते हैं, अब आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे देश की मुद्रा यानी विदेशी मुद्रा का भंडार चीन का न भरे, बल्कि हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार लबालब रहे, इसके लिए एक मैं चूंकि प्रयागराज से संबंधित हूं और वहां के तमाम सारे वैज्ञानिकों ने जब ये बताया तो ये आह्वान करके मैं जरूर आप सब यहाँ माननीय प्रोफेसर गणों से भी और मेरे शोधार्थी अपने छात्रों से भी यह आह्वान करके जा रहा हूं, ऐसी अनेक धातुओं से भरी हुई यह धरती हमारी, जिसके कारण से हम हर प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम हर प्रकार से स्वावलंबी बन सकते हैं, हर प्रकार से दुनिया में सबसे आगे निकल सकते हैं। तो उस इस दृष्टि से जब मैंने यह जानकारी मेरे सामने आई तो मैं निश्चित तौर से आप सबको यह आह्वान करता हूं कि ऐसी चीजें अनेक क्षेत्रों में होंगी जिसका मैं ज्ञाता नहीं, मैं शोधार्थी नहीं हूं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन आप सब वह कर सकते हैं और आप अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करिए। केंद्र में मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की सरकार आपके साथ खड़ी, आप आगे बढ़िए। राजधानी का यह विश्वविद्यालय है हमारे, हम सब तो आपसे दूर नहीं, कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की प्रदेश के विकास की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से, प्रदेश को देश को ऊंचाइयों पर ले जाने की दृष्टि से, जहां कहीं पर भी जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो मैं आपको यहां पर कह करके जा रहा हूं कि हमारे दरवाजे भी हर समय आप सबके लिए खुले हैं। बाकी आपके विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तो हमारे दूसरे माननीय उप मुख्यमंत्री साथी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी सहित सब लोग, यहाँ पूरा भंडार भरा है, लेकिन आप सबका मैं आह्वान करके जा रहा हूँ, कभी कोई जरूरत पड़े हमें प्रदेश को आगे ले जाना, कभी हम सोच नहीं सकते भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक लाइन में पढ़ता था, एक संयोग से मुझे जाने का मौका मिल गया था, मैं रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए गया तो वहीं पर उनका निवास था, आप सब जानते हैं, उनके घर गया, उनके घर परिवार के लोग बहुत साधारण बहुत सरल थे, उनके साथ बैठ करके चर्चा वार्ता करने के बाद फोटो आदि खिंचाने का काम भी वहाँ पर किया, लेकिन मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था कि ऐसे महापुरुष जिसने इस देश के युवाओं को एक ऐसा विजन दिया, एक ऐसा लक्ष्य दिया है कि सपने वह नहीं